हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आप सबके साथ मैं एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत टेस्टी और हेल्दी होती है। तो ये ब्राउन चने जो होते हैं, वो चने को मैं पानी में सोख कर ली थी ओवरनाइट। आप इसको चाहे तो 5 घंटे के लिए भी पानी में सोख कर सकते हैं। और इसके मैं छोले बनाऊंगी, बहुत टेस्टी बनता है, और बिना प्याज लहसुन के बनाऊंगी, ये बहुत अच्छा बनता है। तो देखिए, इसको पानी में बॉईल करने के लिए फिर चढ़ा देते हैं। ये अच्छी तरह से सॉक हो गया है। इसमें 1 चम्मच घी दे दिए हैं और नमक अभी ज़्यादा नहीं दिए हैं, थोड़ा नमक दिए हैं। ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा, पक जाएगा। इसमें 4 से 5 सीटी लगा देंगे। गैस पे रख दिए हैं, गैस ऑन कर दिए हैं, तो उतने में वो बॉयल बहुत अच्छे से हो जाएगा। नमक से जल्दी वो सॉफ्ट हो जाएगा और घी से टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो देखिए, बॉयल भी हो गया है। इसको 4 से 5 सीटी लगाए थे और इसको एक प्लेट में, एक बॉल में इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए, अच्छी तरह से एकदम पक गया है, थोड़ा भी ये हार्ड नहीं है, सॉफ्ट हो गया है। 4 से 5 सीटी इसमें लगा लिए हैं। नमक ज़्यादा नहीं दिए हैं, नमक फिर इसमें तड़का जब लगाएंगे तब नमक इसमें डालेंगे। घी से फ्लेवर अच्छा आता है। और इसमें टमाटो डालना है, तो एक टमाटो ले लिए हैं। टमाटो को बारीक बारीक कट लगा लिए हैं। अब पका हुआ टमाटो ज़्यादा जो रहेगा रेड, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, अच्छी तरह से घुल जाएगा जब इसका तड़का लगाएंगे टमाटो को। तो एक पैन में घी दे दिए हैं, 2-3 चम्मच घी दे दिए हैं। और इसमें तेल दिए थे, मस्टर्ड ऑयल, और इसमें जीरा दे दिए हैं। गोल्डन ब्राउन जीरा हो गया, जीरे गोल्डन ब्राउन हो गए। उसके बाद टमाटो डाल दिए हैं। टमाटो डालने के बाद नमक डाल दिए हैं, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक मैंने पहले भी डाली थी। और इसमें हल्दी दो टेबल स्पून दिए हैं। 2 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर डाले हैं, और इसमें 1/2 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर डाल देंगे। तो आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। और इसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर दिए हैं, जीरा जो भुना हुआ रहता है उसका पाउडर, तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये सब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो आप बिना प्याज लहसुन के भी बनाइएगा तो ये बहुत टेस्टी बनेगा, और हेल्दी तो बहुत होता है। फिर ये भून गए, इसके बाद फिर इसमें पानी नहीं है, ड्राई है, पानी से निकाल लिए थे चने को और इसमें डाल दिए हैं। इसको 1-2 मिनट के लिए इसको भून लेती हूँ, ज़्यादा देर के लिए नहीं। ये बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाता है, और ये बनके रेडी हो गया है। कभी कभी होता है कि किसी के घर में प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं, तो आप इस तरह से बनाइएगा बिना प्याज लहसुन के, तो ये बहुत अच्छा रहता है। बहुत लोगों के घर में प्याज लहसुन खाते ही नहीं हैं, तो इस तरह से बनाइएगा तो बहुत टेस्टी बनेगा, हेल्दी भी है। तो आज का ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसको चपाती के साथ, पूरी के साथ भी आप खा सकते हैं। तो बताइएगा ये रेसिपी कैसा लगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर से कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।